बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक आज होगी। दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है। यूक्रेन पर आगे की रणनीति को लेकर ये बैठक होगी, चर्चा की जाएगी। भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर बैठक में मंथन होगा। मोदी कैबिनेट की भी बैठक होगी। तो आज ये खास बैठक है, सीसीएस की बैठक। दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है। यूक्रेन पर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, इस बैठक में ये चर्चा की जाएगी। भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर भी बैठक में मंथन किया जाएगा और मोदी कैबिनेट की भी आज बैठक होनी है। खास तौर पर जो मुद्दा रहेगा वो यूक्रेन को लेकर, कि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको किस तरह से निकाला जाए, जो छात्र फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए, क्योंकि कई वीडियो ऐसे सामने आए इंटरनेट पर जो छात्र हैं वो ये आशा करते हुए नजर आए, गुहार लगाते हुए नजर आए सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, कि हमें बाहर निकालिए सुरक्षित। और अब क्योंकि पोलैंड के रास्ते से, हंगरी के रास्ते से, रोमानिया के ये रास्ते जहाँ से अब इन सभी को, भारतीय छात्रों को जो भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। और रूसी राष्ट्रपति से भी इसको लेकर बातचीत प्रधानमंत्री की हुई थी। लगभग 25 मिनट ये बातचीत रही थी जिसमें भारतीयों के प्रति उन्होंने चिंता भी जाहिर की थी। और इसको लेकर पुतिन ने ये भी कहा कि यूक्रेन में कुछ विमान भेजे जाएंगे भारतीय, जहां से उनको निकाला जाए, उसकी इजाज़त भी हो गई। लेकिन फिलहाल कई और दूसरे रास्ते हैं जहां से बाहर निकाला जा रहा है। कई ऐसे भारतीय छात्र भी पहुंचे थे धीरे धीरे पोलैंड के रास्ते से और इन बॉर्डर्स के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। और अब जो भारतीय सरकार है वो भारतीयों की को सुरक्षित लाने के लिए लगातार बैठक कर रही है, चर्चा कर रही है कौन कौन से रास्ते हैं वहां से उनको बाहर निकाला जा सकता है, सुरक्षित निकाला जा सकता है। और सबसे बड़ा टास्क ये हो जाता है कि कितने वहां पर लोग मौजूद हैं भारतीय, उनकी पहचान हो, उनको बाहर लाया जाए, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। हालांकि इसको लेकर पहले भी कहा गया, फ़ोन पे मैसेजेस यूक्रेन में जो छात्र हैं उनके पास आए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, आपको कभी भी यहाँ से बाहर निकालने के लिए अलग अलग रास्तों से ले जाया जाएगा या फिर वहाँ से आपको भेजा जाएगा भारत के लिए। लेकिन अभी ये बैठक जो आज होनी है उसमें कई रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। खास तौर पर ये बैठक होगी यूक्रेन को लेकर, कि यूक्रेन पर आगे की भारत की रणनीति क्या रहनी है, जो वहाँ भारतीय फंसे हैं उनको लेकर क्या रणनीति भारत की रहेगी।